देखिए बार बार अभी गुजरात में है अरविंद केजरीवाल और वहां पर वो जाकर आरोप लगा रहे हैं कि मैं तो देश के दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा मंत्री को लेकर गुजरात पहुंचा हूं, इसी मॉडल को लागू करेगा, तमाम तरह की वो बातें कह रहे हैं। ये पूरे मामले की जांच जारी है लेकिन सच कैसे सामने आएगा? आखिर इतने दिनों तक सीबीआई जांच में क्या हुआ? उसके पहले दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, मैं सीधे उनका रुख करना चाहूंगी। अमित, अभी सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है और क्या बड़ी खबर जो हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहेंगे अमित? जी देखिए, सत्येंद्र जैन वाले मामले में चित्रा, उनकी वाइफ जो है, उनको इस वक्त रेगुलर बेल मिल गई है। पहले वो इंटरिम बेल पे बाहर थी, अब रेगुलर बेल मिल गई है। और वहीं सत्येंद्र जैन की जो बेल की हियरिंग है वो 29 अगस्त को उस पर चर्चा होनी है और फिर वहां से तस्वीर साफ होगी, क्या सत्येंद्र जैन को राहत मिलती है कि नहीं। लेकिन अहम बात यह है कि ये पूरी कार्रवाई उस समय में हो रही है जिस वक्त आम आदमी पार्टी के एक और बहुत अहम चेहरे, और अगर सरकार को देखा जाए, दिल्ली की सरकार में देखा जाए, तो नंबर टू मनीष सिसोदिया पे सीबीआई की तलवार लटकी हुई है। ईडी की जांच होने की संभावनाएं इस वक्त बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि किस तरह से आज कुछ अहम सवाल उठाए गए हैं बीजेपी द्वारा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जो मैन्युफैक्चरर थी इंडो स्पिरिट जैसे कंपनी, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सीधे शहजाद के पास जाऊंगी, लेकिन एक छोटा सा जवाब आपसे अमित, ये बताइए कोई भी कानूनी कार्रवाई अब तक हुई है क्या शराब घोटाला मामले में, या सिर्फ अभी छापेमारी की कार्रवाई ही चल रही है और पूछताछ जारी है? जी देखिए, जो एक्साइज पॉलिसी का केस है इस वक्त सीबीआई के पास है और सीबीआई ने एक दिन मैसिव लेवल पे रेड्स किया मनीष सिसोदिया के घर पे, और बाकी अफसर जैसे हैं आरवा गोपी कृष्ण, आनंद तिवारी जैसे ऑफिसर्स के ऊपर छापेमारी की। और उसके बाद ये जरूर कार्रवाई हुई है कि एमएचए ने आरवा गोपी कृष्णन और आनंद तिवारी, इन दोनों को एमएचए ने अब सस्पेंड कर दिया है, तो वो एक बड़ी तस्वीर आज साफ हुई है। और इसके बाद अब जांच बहुत रफ्तार से आगे बढ़ने की संभावना है। और अहम बात अभी ये हमें सूत्रों से पता चली है कि सीबीआई ने कुछ दस्तावेज शेयर किए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ, तो संभावना वो भी अभी खुला हुआ है कि संभवतः पीएमएलए एक्ट को भी इम्पोज किया जा सकता है। और जैसे ही पीएमएलए एक्ट आता है वैसे ही ईडी के पास पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन पहुंचने की, एक अलग इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होने की संभावनाएं बन जाती है। और अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि पहले से ही हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन वो जेल गए, उनसे पोर्टफोलियो मनीष सिसोदिया को शिफ्ट किया गया, और फिर मनीष सिसोदिया पे भी जिस तरह से रडार सीबीआई ईडी का कसेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए आपका। मुश्किलें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ सत्येंद्र जैन को जहां कोर्ट से राहत नहीं मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीधे मैं शहजाद जी आपका रुख करते हुए, देखिए आप लोगों की ओर से कितने भी आरोप लगाए जाएं लेकिन सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और सिर्फ आरोप ही हैं, ये साबित अभी कोर्ट के भीतर नहीं हुआ है। यही कारण है कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक अरविंद केजरीवाल आप लोगों को घेरते हुए आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि आप लोग उनकी लोकप्रियता से डर गए हैं, दिल्ली में डरे, अब गुजरात की बारी है, इस वजह से उनके ऊपर ओछे मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, कितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए आप, उनका यही कहना है। देखिए दरअसल चित्रा जी, ये ऑपरेशन लूटस है, ये ऑपरेशन लूटस केजरीवाल की शराब नीति, जो कि बहुत खराब नीति है उसका, और इनका सिद्धांत क्या है मैं समझा देता हूं और कुछ सवाल उठाता हूं। क्योंकि अभी तक 26,80,000 सेकंड हो चुके हैं, 31 दिन हो चुके हैं, हम 15 सवाल उठा रहे हैं, परंतु 26,80,000 सेकंड से अरविंद केजरीवाल केवल और केवल अत्याचार अत्याचार चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार है, और फिर दुराचार पर उतर आ रहे हैं। मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और आज आपके मंच से ये सवाल पूछे जाने चाहिए, 30 करोड़ की ईएमडी अभी कैसे रिफंड की गई? इसका हवाला एक दूसरे चैनल पर मैं देख रहा था, एफआईआर में आ चुका है, वो भी सवाल उठ गया है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ब्लैकलिस्टेड कंपनी को आना सख्त मना था, जिसके विषय में आज सुधांशु जी ने भी और परवेश जी ने भी शो कॉज नोटिस दिखाई है। ये शो कॉज नोटिस एक्साइज डिपार्टमेंट ने 2021 में जारी की थी, उन्होंने प्राइमा फेसा वायलेशन बताया था, उस पर एक्साइज डिपार्टमेंट में क्या कार्रवाई की गई थी वो बताएं। तीसरा, जो कमेटी की रिपोर्ट थी, कमेटी की रिपोर्ट कहती है किसी भी हालत में होलसेल सरकार के हाथ से नहीं जाना चाहिए, इन्होंने प्राइवेट को दे दिया, कैसे? इन्होंने कहा रिटेल में, कमेटी ने कहा रिटेल में जो आप देंगे लाइसेंस, वो लाइसेंस लॉटरी से दिए जाने चाहिए, इन्होंने लाइसेंस लॉटरी से नहीं दिए। फिर जैसे गौरव भाई ने बताया था कि 10% आपको फीस हाइक करनी थी, 10 सेकंड और दे दीजिए, 10% हाइक करनी थी हर साल,
तो वो नहीं किया तो 900 करोड़ का नुकसान हुआ। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये सारी वायलेशंस हुई, दो से अधिक ज्यादा ठेके दे दिए, 50 रुपए प्रति क्रेट दे दिया, और ये सब कैबिनेट के फैसले के वायलेशन में हुआ, इसका एक भी जवाब नहीं आया है इनके पास से। उल्टा ये लोग बोलते हैं कि कभी 2024 की बात, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स की बात, कभी गुजरात में जाकर, कभी शिक्षा पर बात। मैं इस पर डाइवर्ट नहीं होऊंगा। जो इनकी असलियत है हमने देखी है, हमने देखी एलओसी के बारे में कितना झूठ बोला संजय सिंह ने, वो प्रधानमंत्री नमस्कार नहीं कर रहे थे कैसे झूठ बोला, कैसे अरुण जेटली जी पे गलत आरोप लगाते थे, गडकरी जी पे आरोप लगाते थे, माफी मांगनी पड़ी। मैं उनके इस प्रकार के झूठे चरित्र पर नहीं जाना चाहता। आज मैं आपसे हाथ जोड़कर चित्रा जी, क्योंकि आपका चैनल और शो बहुत देखा जाता है, कल भी अधिकृत प्रवक्ता जब थे उन्होंने पत्रकारों पर हमला करना ठीक समझा, अलग अलग गंदी गंदी बातें करना ठीक समझा, पर उनसे आपने दो स्पष्ट सवाल पूछे, एक ये वायलेशंस पर जवाब दो, वो नहीं दे पाए। दूसरा आपने पूछा कि भाई अगर ऑडियो है तो ये ट्रेलर पर ट्रेलर क्या दिखा रहे हो भाई, कल ठीक है, से लगा दो ऑडियो, ठीक दिखा है, दो ऑडियो, कौन सा ऑडियो है। ठीक है। सईद अब्बास साहब, चूंकि अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है नहीं, इसलिए इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। ऑडियो जी अगर है तो वो तो देश के सामने आना चाहिए ना, शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है क्या? इस तरह का जी आरोप चित्रा लगाना जी, ये बेहद गंभीर है, और इससे तो बीजेपी एक्सपोज होगी। फिर ऑडियो को लाने में, देश के सामने रखने में इतनी देरी क्यों हो रही है? जी चित्रा जी, जैसे आप उत्सुक हैं और मेरे काबिल दोस्त भी उत्सुक हैं, मैं भी उत्सुक हूं, और इस ऑडियो को जल्द से जल्द आना चाहिए। जैसे भाजपा कह रही है कि ये एक आरोप है, अरे भाई साहब आपके आरोप है, कोई हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कन्विक्शन ऑर्डर नहीं है। 144 करोड़ की वेवर की बात करते हैं आप, 30 करोड़ रिफंड की बात करते हैं आप। मैं चुनौती देता हूँ शहजाद पूनावाला, दिखाओ इसका मनी ट्रेल, सीबीआई आपकी, ईडीआई आपकी, आईटी आपकी, बताओ भैया मनी ट्रेल कहाँ है। आप कहते हो ओ ये 144 करोड़ पंजाब में चुनाव में इसका पूरा पैसा लगा दिया गया, तो बताओ मनी ट्रेल, आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप, कोई है आपके पास सबूत? सबूत कुछ नहीं, आरोप है। और मैं बता दूं चित्रा जी, 130 करोड़ जो भारत की जनता है वो जानती है कि आज सीबीआई ईडी आईटी कोई पिंजरे का तोता नहीं है, एक ऐसा अजगर है जो भाजपा बार बार लगातार ओपोजिशन लीडर पे इस्तेमाल करती है। क्यों उनको भाता नहीं है? आपसे न्यूयॉर्क पूछ रही टाइम्स हूँ, पे कुछ कोई ऑडियो आरोप वीडियो नहीं मैसेज है है चित्रा जी, सईद तीस अब्बास सेकंड साहब? चित्रा जी, नहीं, कोई ऑडियो वीडियो कोई तीस मैसेज सेकंड है? बीजेपी अगर खरीदने की कोशिश कर रही थी, कुछ सबूत तो होगा ना? आरोप लगाने जी, के बाद तो बहुत बार आम आदमी पार्टी के नेताओं ने माफी मांग ली है, वो आरोप बढ़ चढ़कर लगाते हैं और उसके बाद चुपके से माफी मांग लेते हैं। अभी चित्रा जी अगर मैं जवाब गंभीर दूँ, इतना आरोप है तो बीजेपी को कीजिए ना एक्सपोज, क्यों नहीं सामने आ रहा बिल्कुल है वो सबूत बिल्कुल देश के सामने? बिल्कुल चित्रा जी, मैं इस बात में आपके साथ हूं। मेरी विनती है, आम आदमी पार्टी का मैं एक समर्थक हूं, जो तमाम जो लीडरान है आम आदमी पार्टी के, मैं विनती करता हूं आपके चैनल के द्वारा ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जल्द से जल्द आना चाहिए, क्योंकि आरोप को मैं सबूत में कन्वर्ट होते हुए देखना चाहता हूं। वैसे ही जो मेरे भाजपा के एक प्रवक्ता भाई है, आरोप पे आरोप मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो सीबीआई ईडी आईटी एक अजगर हो चुका है। देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स की एडिटोरियल पॉलिसी की बात करते हैं, ये तो सबसे अमीर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की। मैं चुनौती देता हूं शहजाद पूनावाला को, आप तो 1000 करोड़ की पार्टी है, लाकर बताइए एक एडिटोरियल।